नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन प्लांट से नॉन कंडेंसेबल गैस को कैसे रिमूव करें, यानी कि जो एयर होता है प्लांट से एयर को कैसे निकालें, ये आप हमेशा पूछते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि प्लांट से एयर को कैसे बाहर निकालेंगे, उसे कैसे रिमूव करेंगे। दोस्तों, अगर प्लांट में एयर हो तो कई तरह से प्रॉब्लम आते हैं। एक तो प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके बाद जो कंप्रेसर का कैपेसिटी है यानी जो पावर कंजप्शन है कंप्रेसर का वो बढ़ जाता है, और जो कूलिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाता है यानी कम हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों अगर प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस यानी कि जो एयर होता है वो एयर हो तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कैसे आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं और बिना एक पैसा खर्च किए हुए इस नॉन कंडेंसेबल गैस को हम प्लांट से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, नॉन कंडेंसेबल गैस में कई तरह के गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और निष्क्रिय गैसेस का मिक्सचर इसमें होता है। तो ये नॉन कंडेंसेबल गैस होता है यानी कि ये कंडेंस होता ही नहीं। जैसे अमोनिया कंडेंस होकर लिक्विड रूप में आता है, लेकिन ये लिक्विड रूप में नहीं आता कंडेंस होकर, ये हमेशा ही गैस स्टेट में ही रहता है। तो ये ज्यादातर हाई प्रेशर साइड में गैस रहता है क्योंकि कंप्रेसर हमेशा इसे खींचते रहता है। ये ज्यादातर अधिकतर जो गैस होते हैं हाई प्रेशर में होते हैं, जैसे कि ये कूलिंग टावर हो गया कंडेंसर, और जो रिसीवर होता है वो रिसीवर में ये सब गैसें होते हैं, और जो इवेपोरेटर होता है उसमें भी होते हैं लेकिन कुछ कम होता है, उसमें से भी आप निकाल सकते हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अमोनिया बेसिक जो प्लांट होता है वो अमोनिया से हल्के होते हैं, यानी जो भी एयर होगा वो अमोनिया से हल्का होगा। तो आपको पता ही है कि जो भी हल्का जो गैस होता है वो ऊपर को साइड में आता है और भारी गैसेस जो है ये नीचे के साइड में होते हैं। तो अमोनिया ज्यादातर जो कंडेंसर है, अगर कंडेंसर से निकालना हो तो कंडेंसर के नीचे भाग में ही या लिक्विड रूप में होगा या गैस रूप में भी होगा तो नीचे के साइड में होगा, उसके ऊपर ही सारे गैसेस ऊपर के साइड में, सबसे ऊपर के साइड में नॉन कंडेंसेबल गैसेस जमा हो जाते हैं। तो हमें ऊपर से ही निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अगर इवेपोरेटर से निकालना हो ये गैसेस, तो आपको पहले इवेपोरेटर को, अगर इवेपोरेटर से आप नहीं निकाल सकते अंदर में, तो सबसे पहले इवेपोरेटर को पूरी तरह वैक्यूम कर लें और वैक्यूम करके रिसीवर और कंडेंसर में उस गैस को रख लें, उसके बाद ही नॉन कंडेंसेबल गैस है उसको रिमूव करें। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आज मौसम ठंडा है, ठीक है, क्योंकि ये अमोनिया बेस्ड प्लांट है। तो अमोनिया जो है लिक्विड के रूप में यहाँ पर नीचे होगा, ठीक है, ऊपर के साइड में जो नॉन कंडेंसेबल गैस है वो ऊपर के साइड में होगा। तो अगर मौसम सबसे ज्यादा ठंडा हो उस वक्त ये गैसेस को रिमूव करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर मैं बताता हूँ कितना है, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अभी 10, ठीक है, यहाँ का 10 या 11 के आसपास सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, तो काफी ठंडा है दोस्तों। अगर इससे भी ज्यादा ठंडा हो मौसम और सुबह के टाइम में, तब इस गैस को आप रिमूव करें, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिखाता हूँ क्या है, क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर एक ड्रेन वाल्व लगा हुआ है, जो कि कंडेंसर का जो हेडर होता है ऊपर साइड में ड्रेन वाल्व लगता है, कि गैस को कभी भी रिमूव करना हो तो वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं ऊपर चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ड्रेन वाल्व लगा है और ये जो ऊपर का हेडर है कंडेंसर का, तो ज्यादातर जो नॉन कंडेंसेबल गैस होगा ये सबसे ऊपर साइड में यहाँ जमा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम एक दिन पहले इवेपोरेटर का जो गैस है उसे हम कंडेंसर और रिसीवर में कर लेंगे, और रात भर जब ठंडा होगा ये, तो सुबह के वक्त में इस गैस को हम निकालेंगे। तो कि मैंने देख सकते हैं कि मैंने पाइप एक लगा रखा है, आप भी इसमें लगा लीजिएगा एक यहाँ निपल टाइट करके, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ इसे कंडेंसर के पानी में पाइप लगाया हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये पाइप मैंने कंडेंसर का जो पानी है, क्योंकि ये प्लांट अभी बंद है तो कंडेंसर के पानी में लगाया है। आप चाहें तो बड़े पाइप लेकर इस तरह का थोड़ा ऊंचा इसको कर दें, काफी ऊंचा 20-30 फुट ऊंचा कर दें,
ताकि इसके साथ में जो गैसें आएंगी, मिक्सर जो गैस होता है इसमें अमोनिया का भी कुछ गैस होगा, उसमें प्रेशर होगा, तो ये साथ में निकलेगा। तो हो सके तो आप इसको ऊपर की साइड में कर दें सीधा, ठीक है, ऊपर की साइड में कर दें ताकि जो भी गैस है नीचे की साइड में ना आए और किसी को दिक्कत ना हो, इसमें गंध ना आए। तो मैं इसे कंडेंसर में निकाला हूँ क्योंकि इस पानी को मुझे निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको खोलेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, सारे वाल्व खुला रहेगा और इसको खोलेंगे, लेकिन थोड़ा नहीं खोलेंगे दोस्तों। काफी लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा खोलकर लीक करके छोड़ देते हैं, ऐसा करने से नहीं होगा, इसको पूरी तेजी से खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह खोलना पड़ेगा। आप चाहे तो इस पाइप को बहुत ऊंचा कर सकते हैं, मैं धीरे नहीं खोल रहा, मैं ज्यादा खोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लगभग दोस्तों मैंने पूरा खोल दिया है। ठीक है दोस्तों, लगभग मैंने इसे पूरा खोल दिया है और यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ तेजी से निकल रहा है अंदर पानी में। ठीक है दोस्तों, इस तरह 5 से 7 मिनट तक खोलें और खोलने के बाद इसे बंद कर दें। ठीक है, उसी तरह दूसरे दिन भी इसी तरह खोल दें 5-7 मिनट तक। 2 दिन खोलेंगे तो आपका पूरी जो है नॉन कंडेंसल जो गैस है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार निकाल चुका हूँ तो मैं इसे अभी बंद कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस तरह बड़ी आसानी से बिना एक पैसा लगाए नॉन कंडेंसेबल गैस जो होता है, यानी जो एयर होता है, एयर को प्लांट से बाहर कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं और कंप्रेसर के जो पावर कंजप्शन है उसे कम कर सकते हैं और कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि इसी तरह रिसीवर से भी निकालें प्रेशर जो है, एयर जो है, तो आपको बताते हूँ किस तरह निकालना है। तो देख सकते हैं कि रिसीवर है और रिसीवर पर यहाँ लगभग 90 PSI प्रेशर है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी इस तरह का वाल्व लगे होते हैं, तो इस वाल्व में एक पाइप लगाकर और इसको बहुत ऊंचा कर देना है, यानी लगभग 30-40 फुट के आसपास ऊपर कर देना है ताकि नीचे किसी को दिक्कत ना आए। और यहाँ से उसी तरह खोलेंगे क्योंकि इसमें पूरा लिक्विड नहीं होगा, लिक्विड इतना होगा, आधा होगा या इससे ज्यादा होगा, बाकी तो इसमें ऊपर के साइड में नॉन कंडेंसेबल गैस होगा, यानी एयर होगा। तो इसको जब तेजी से खोलेंगे तभी ये लिक्विड जो है लिक्विड रूप में रहेगा, लेकिन जो प्रेशर है बहुत तेजी से बाहर को निकलेगा। इस तरह उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ नॉन कंडेंसेबल जो गैस है, एयर जो है, वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से पाइप लगाकर आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात मैं बताऊंगा कि जब भी ये करें जब वातावरण का टेम्परेचर कम हो, ठीक है दोस्तों, सबसे कम हो, जिस दिन बहुत ज्यादा ठंडा हो वातावरण में, उस दिन करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ऑल पे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।